जनसंपर्क का जो गति है अब वो काफी तेज हो गया बलिया प्रखंड के अंतर्गत। हम इसी बीच पहुंच गए हैं, मनसेरपुर के क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ पे एक मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, सुमन जी। सुमन जी, आपका हम बहुत स्वागत करेंगे बीटी न्यूज़ में। और आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, उस जनसंपर्क से आपका अनुभव क्या कह रहा है? बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। हम 5 वर्ष रह चुके हैं, हम जो 5 वर्ष रहे हैं उस समय सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था, सारा चीज हम करते थे, जितना भी पंचायती था, इनकलाब जिंदाबाद। और अभी सरपंच के रहते हुए भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, हर जगह दंगा फसाद झंझट शुरू है, हर जगह समाज में कोई पंचायती नहीं हो रहा है, थाना केस जा रहा है। मेरे समय में थाना केस नहीं जाता था, सारा पंचायती हम पंचायत में करते थे। जी जी, क्या अगर चूंकि पहले लोग मुखिया चुना करते थे, सरपंच चुना करते थे, और इस बार जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें लोग जिम्मेदारी देने का काम करना शुरू कर दिए हैं। अब मुखिया और सरपंच को नहीं चुन करके एक जिम्मेदार व्यक्ति को पंचायत का कमान दिया जा रहा है, ये स्थिति लग रही है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि प्रत्याशी चुनाव कम, आम लोग चुनाव ज्यादा लड़ रहे हैं। जी, ये बात तो सही है। और हम अगले पंचवर्षीय में लड़ना भी छोड़ दिए थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जनता जो है हमको घींच के लाए हैं। जनता बोले हैं नहीं, आपको लड़ना है, आप नहीं आइएगा तो पंचायत सही ढंग से नहीं चलेगा, आपको आना है, लड़ना है, सारी चीज हम लोग करेंगे। अगर जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल दीजिए, चूंकि जो लोग नामांकन कराते हैं वो समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए अगली पंक्ति में खड़ा होते हैं कि हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाती है यहाँ से, तो पहला काम आपका क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना भी चीज़ है, सारा काम हम अपने दायित्व से जो पहले किए थे अच्छा ढंग से उसी ढंग से हम करते हैं। शिक्षा की जो स्थिति है इस क्षेत्र में, बहुत बदतर स्थिति है। कभी कोई पंचायत के प्रतिनिधि उस शिक्षा के उस स्थान पर जाते भी नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिम्मेदारी मिलेगी तो सारा चीज़ हम सुचारू रूप से शुरू करेंगे, ढंग से शुरू करेंगे। जो पिछले 5 सालों में जो काम हुआ, उस काम से आपको संतुष्टि कितना प्रतिशत मिल रहा है? उस पर हम टिका टिप्पणी नहीं करेंगे, जो काम मिला है, समाज आपका है, काम आपके समाज में हुआ वक्त है। समय आने के बाद हम उस पर बात करेंगे जी। अभी चुनाव का फेज कोई नहीं है। हो गया, 1952 से लेकर के अब तक लोग एक ही मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, शिक्षा बढ़िया करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, सड़क को बनाएंगे, ये 3 जो प्रमुख चीज़ें हैं उस समय से लेकर के आज तक दौड़ ही रहा है। आखिर इन तीनों चीज़ को आज तक दूर क्यों नहीं कर पाए लोग? जनता सही ढंग से काम नहीं, जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं जनता विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सही ढंग से खड़ा नहीं उतरते, काम नहीं कर पाते हैं। हम जिस समय थे उस समय थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, और अभी जितना मिल रहा है अगर चाहेंगे तो हर जगह काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता तो प्रतिनिधि पर भरोसा करती ही है, लेकिन उस प्रतिनिधि के द्वारा 5 साल में ही भरोसा तोड़ लिया जाता है, खड़ा नहीं उतरते हैं। खड़ा नहीं उतरते। आप यही ना कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। आप एक बार अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, और अपने छाप के बारे में भी बता दीजिए, छोड़ दीजिए ना आप बोलिए। छाप मेरा 11 नंबर में है, काठगरी छाप, और हम जनता से, पब्लिक से, जनता से आग्रह करते हैं, हम अगर जीत गए हर चीज़ पर खरा उतरेंगे, सारे चीज़ पर हम खरा उतरेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना भी चीज़ है सब पर हम खरा उतरेंगे। अगला चुनाव बोलना नहीं पड़ेगा। ये थे सुमन जी, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया उम्मीदवार हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि शिक्षा हमारा मुख्य टास्क है और शिक्षा को हम सबल बनाएंगे इस पंचायत में, अगर शिक्षित लोग हो जाएंगे तो विकास स्वतः होगा। और जल जमाव भी है, इसका भी हम उपयोग करेंगे, निकासी करेंगे, सड़क को भी दुरुस्त करेंगे, जल जमाव को भी। जल जमाव की स्थिति से तो राकेश सिन्हा को भी हमने कहा, कई बार कहा, उनको अपने घर पर तो हो नहीं पाया है अभी। नहीं, इसका भी हम जो है सुधार करेंगे, जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे, सारा चीज दूर करेंगे। लोग, किसान आज डीएपी के लिए परेशान है,
किसान अभी डीएपी उनको मिल नहीं रहा है। और ये कहानी इसी बार की नहीं है, जब भी किसान को के बुआई का वक्त आता है तो सरकार के पास बीज नहीं होता है, खाद नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है, पैक्स की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के फिर से अध्यक्ष बनाते हैं। जी जी जी, वो तो पैक्स अध्यक्ष का काम है, वो तो पैक्स अध्यक्ष हम फिर आएंगे जीत करके तो इसका संभवतः उपाय। एक बार जनता मालिक दे दे, जिता दे, उनके बाद 5 साल में देख लेंगे विकास कैसा है। 5 साल नहीं मतलब, विकास मतलब सुमन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।